फ्रेंड, दिस इज स्वागति। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था व्हाट इज़ ब्लड, डेफिनेशन ऑफ ब्लड एंड जो उसके सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं वो पढ़ा था। बट सेलुलर एलिमेंट्स आज हम इस क्लास में डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, जो ब्लड में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि रेड ब्लड, वाइट ब्लड एंड प्लेटलेट्स। तो इनके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो आरबीसी क्या है? आरबीसी जो होता है वो सर्कुलर बाई कॉन्केव डिस्क शेप्ड सेल होता है। सर्कुलर बाई कॉन्केव डिस्क शेप्ड सेल होता है आरबीसी, एंड दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। और उसमें क्या होता है फ्रेंड्स? न्यूक्लियस नहीं होता है। और ये रेड कलर के होते हैं यूरिथ्रोसाइट। यानी कि आरबीसी कैसा होता है? आरबीसी रेड कलर का होता है। और ये फ्रेंड्स रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है। उस पिगमेंट को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उस पिगमेंट को कहते हैं हीमोग्लोबिन। सो आगे पढ़ते हैं। ईच यूरिथ्रोसाइट इज कम्पोज्ड ऑफ 65% वाटर एंड 33% हीमोग्लोबिन एंड 2% रिमेनिंग सब्सटेंसेस। सो फ्रेंड्स, आरबीसी मतलब किन किन सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ होता है? तो आरबीसी यानी कि यूरिथ्रोसाइट्स, ये 60% वाटर एंड 33% हीमोग्लोबिन एंड 2% रिमेनिंग सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ होता है। द एवरेज ऑफ यूरिथ्रोसाइट्स इन मेल इज़ अबाउट 5 मिलियन। यानी कि जो मेल होता है उनमें लगभग 5 मिलियन यूरिथ्रोसाइट्स होते हैं। इन केस ऑफ फीमेल, यानी कि फीमेल में कितना होता है? फीमेल में 4.5 मिलियन पर सेल्स पर मिली लीटर होता है। आरबीसी सर्व्स इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस दैट आर सिंथेसिस बोन मैरो। आरबीसी क्या होता है? इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है इसका? ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना एंड एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना आरबीसी का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। आरबीसी सिंथेसिस का होता है? आरबीसी जो सिंथेसिस होता है वो बोन मेरो में होता है। बोन मेरो कहाँ? जो लॉन्ग एंड शॉर्ट बोन होती है, यानी कि लॉन्ग बोन फॉरेस्ट फीमर, शॉर्ट बोन स्टेपेस्ट जो कि ईयर की होती है। तो इनके इनमें जो बोन मेरो में ये आरबीसी सिंथेसिस होती है। द एवरेज और लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज अबाउट 120। आरबीसी की जो लाइफ स्पेन होती है वो 120 डेज की होती है, यानी कि 120 दिन की एवरेज लाइफ स्पेन एवरेज होती है। अब हमने फ्रेंड्स पढ़ा जो आरबीसी होता है वो सर्कुलर बाई कॉन्केव डिस्क शेप सेल्स होती हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये रेड कलर की होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। यूरिथ्रोसाइट्स 60% वाटर एंड 33% हीमोग्लोबिन एंड 2% रिमेनिंग सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ होता है। और जो यूरिथ्रोसाइट्स होती हैं वो मेल में 5 मिलियन एंड फीमेल में जो होती हैं वो 4.5 मिलियन होती है। एंड आरबीसी का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखना। एंड ये सिंथेसिस का होती हैं? ये सिंथेसिस होती हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट बॉन्ड में, बोन की बोन मैरो में। एंड इसका लाइफ स्पेन जो होता है वो 120 डेज का होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आरबीसी अगर बढ़ जाता है, आरबीसी की नंबर्स अगर बढ़ जाते हैं तो क्या होता है? तो पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। अगर कम हो गया यानी कि डिक्रीज नंबर होगा तो एनीमिया बोला जाता है। लिखा है ना, पॉलीसाइथीमिया इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी, आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है तो पॉलीसाइथीमिया, और आरबीसी का नंबर घट गया है यानी कि डिक्रीज हो गया है तो एनीमिया। अब हम पढ़ते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को फ्रेंड्स हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, यानी कि WBC। सो WBC के बारे में पढ़ते हैं। WBC कैसा होता है? कलरलेस सेल्स होती है, इसमें न्यूक्लियस कंटेन होता है। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था आरबीसी, तो आरबीसी में क्या पढ़ा था कि वो रेड कलर की होती है। बट WBC कैसी होती है? WBC कलरलेस होती है। और ये भी पढ़ा था ना आरबीसी में कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बट WBC में न्यूक्लियस होता है। दे आर लार्ज इन साइज द आयरन आरबीसी, और ये साइज में आरबीसी से बड़े होते हैं बट नंबर में कम होते हैं। आगे लिखा है देयर इज़ नंबर लेस वन कम्पेयर टू आरबीसी, बट आरबीसी के अगर आरबीसी के अपेक्षा ये नंबर में कम होते हैं।
ठीक है, साइज में बड़े बट नंबर में कम होते हैं। कितने कम होते हैं? 8000, लगभग 8000 सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर कम होते हैं। लिकोसाइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। और लिकोसाइड्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में, एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ल्यूकोसाइड्स स्पेशली वेरी रिच इन हिस्टामिन इज बिलीव टू डिपेंड अगेंस्ट एलर्जी कंडीशन लाइफ स्पेन ऑफ WBC ऑफ 13 to 20 डेज। मीन्स जो WBC है वो क्या करता है, जो हमारे एलर्जिक कंडीशन होती है उससे ये उसके अगेंस्ट डिफेंड यानी कि बचाव रखता है। एंड इसका जो लाइफ स्पेन होता है WBC का वो 13 to 20 डेज का होता है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ WBC। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो WBC के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? WBC के टाइप्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट एंड दूसरा एग्नुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट्स में फ्रेंड न्यूट्रोफिल्स आ जाता है, इजिनोफिल्स आ जाता है, बेसोफिल्स आ जाता है। एग्नुलोसाइट्स में फ्रेंड्स लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स आ जाता है। अब तो ये तो हमने पढ़ लिया WBC के टाइप्स, बट WBC के टाइप्स जो ग्रैनुलोसाइट्स एग्नुलोसाइट्स हैं इनके बारे में हम आगे डिस्क्रिप्शन में पढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैनुलोसाइट्स क्या है? ग्रैनुलोसाइट्स को हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स कंटेन नो न्यूक्लियाई कॉन्सपिशियो ग्रैनुल्स इन द साइटोप्लाज्म। मीन्स जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं उसमें नॉब न्यूक्लियाई कॉन्सपिशियस ग्रैनुल्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे कण होते हैं साइटोप्लाज्म में, छोटे छोटे कण होते हैं। और ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं वो फ्रेंड्स थ्री टाइप के होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स कितने प्रकार के होते हैं? थ्री टाइप के होते हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स? न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अब इसके बारे में आगे जानते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या है, कितनी रेंज होती है ब्लड में एटसेट्रा। सो न्यूट्रोफिल्स क्या है? 10 to 12% माइक्रो डायमीटर होता है। एंड परसेंटेज जो होती है न्यूट्रोफिल्स के ब्लड में वो 60 to 70 ब्लड में परसेंटेज होती है। अब हम बढ़ते हैं इजिनोफिल्स। सो फ्रेंड्स इजिनोफिल्स जो होता है वो 10 to 12 माइक्रो डायमीटर होता है। ये हमने पढ़ा था इसमें भी कि इसका न्यूट्रोफिल्स का भी जो डायमीटर होता है 10 to 12 एंड इजिनोफिल्स का जो डायमीटर वो भी होता है 10 to 12। एंड परसेंटेज जो होती है इजिनोफिल्स में ब्लड में इजिनोफिल्स की जो परसेंटेज होती है 1 to 4 एंड न्यूट्रोफिल में कितनी थी 60 to 70। बेसोफिल्स समवॉट स्मैलर होता है, मतलब सेम होता है बट मेजर अबाउट 8 to 10। इसका डायमीटर जो होता है वो 8 to 10 होता है। बाकी दोनों न्यूट्रल एजिनो का डायमीटर 10 to 12 बट इसका बेसोफिल्स का जो डायमीटर होता है वो 8 to 10 होता है। इसकी परसेंटेज जो होती है वो 0 to 1 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, परसेंटेज जो बेसोफिल्स की होती है वो 0 to 1 होती है, न्यूट्रोफिल की 60 to 70, एजिनोफिल्स की ब्लड में परसेंटेज 1 to 4%। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एग्नुलोसाइट। एग्नुलोसाइट क्या है फ्रेंड्स? एग्नुलोसाइट्स आर द टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट। एग्नुलोसाइट्स भी एक प्रकार का ल्यूकोसाइट है विद लार्ज न्यूक्लियस। इसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है विद लार्ज न्यूक्लियस एग्नुलोसाइट्स आर एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म। एग्नुलोसाइट्स जो होते हैं वो टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, मतलब एक प्रकार का ल्यूकोसाइट है। और इसमें जो होता है न्यूक्लियस एंड ग्रैनुलोसाइट्स जो होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में एब्सेंस होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स दैट कम्स अंडर एग्नुलोसाइट्स। इनमें जो होते हैं ये दो प्रकार के सेल्स आते हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। दे आर आगे कौन कौन सी जो सेल्स इनमें आती हैं वो पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स इसमें मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स सेल्स होती हैं। मोनोसाइट्स फ्रेंड्स क्या होता है? मोनोसाइट्स जो होती हैं वो एक प्रकार का एग्नुलोसाइट है। इसका 16 to 18 माइक्रो डायमीटर होता है और 5 to 10 टोटल ल्यूकोसाइट्स होते हैं। अब हम बढ़ते हैं लिम्फोसाइट्स फ्रेंड। तो लिम्फोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट भी एक प्रकार का एग्नुलोसाइट है और स्मॉलर देन द मोनोसाइट इन साइज। बट क्या है, लिम्फोसाइट जो होता है वो साइज में मोनोसाइट से छोटा होता है बट न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज होता है। लिम्फोसाइट आर द डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो दो प्रकार में बांटे गए हैं, इनके टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? स्मॉल एंड लार्ज। अब हम पढ़ते हैं स्मॉल।
स्मॉल लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, दे आर स्लाइटली लार्जर देन आर बी सी डायमीटर ऑफ स्मॉल लिम्फ, जनरली 5 to 7। इसका जो डायमीटर लगभग होता है 5 to 7 माइक्रो डायमीटर स्मॉल लिम्फोसाइट्स का होता है। लार्ज लिम्फोसाइट्स का फ्रेंड्स कितना होता है, 12 माइक्रोन डायमीटर होता है, 12 माइक्रोन डायमीटर लार्ज लिम्फोसाइट्स का। एंड ये फ्रेंड्स ओवल शेप के होते हैं, लार्ज लिम्फोसाइट्स के होते हैं ओवल किडनी शेप के होते हैं। अब हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, अभी हमने आरबीसी पढ़ा, डब्ल्यूबीसी पढ़ा। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और आरबीसी कैसे होता है, रेड कलर का होता है, डब्ल्यूबीसी कलरलेस होता है, इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं सेलुलर एलिमेंट्स, लास्ट प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स को फ्रेंड्स हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। एंड ये राउंड ओवल शेप्ड सेल होती है और दे आर रफली 1/4 साइज इन साइज ऑफ आरबीसी। आरबीसी से ये 1/4 साइज की होती है, यानी कि जितना भी आरबीसी का साइज होता है उसका चौथाई भाग, यानी कि 1/4 साइज का प्लेटलेट्स होती हैं। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट 2 to 5 lakh पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। जो नॉर्मल प्लेटलेट्स होती हैं वो 2 to 5 lakh पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होती हैं, यानी कि जो प्लेटलेट्स की काउंटिंग है तो 2 to 5 lakh पर क्यूबिक mm, mm का मीन्स मिलीमीटर, ब्लड में होता है। प्लेटलेट्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, प्लेटलेट न्यूक्लियस ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लेटलेट्स जो होती हैं ब्लड क्लॉटिंग को इंसिस्ट करती हैं, शुरू करती हैं। प्लेटलेट्स कंटेन अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, मींस प्लेटलेट्स में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। दैट प्रमोट ब्लड क्लॉटिंग विच कॉज सेंसेशन ऑफ ब्लड। सेंसेशन मीन्स होता है फ्रेंड्स स्टॉप, यानी कि स्टॉप, किसी चीज़ को रोकना। तो फ्रेंड्स प्लेटलेट्स यानी कि प्लेटलेट्स क्या कहती है, जहाँ अगर ब्लड को चोट लग गई है, ब्लडिंग हो रही है, तो प्लेटलेट्स में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिससे क्या होता है, जिससे जो ब्लडिंग हो रही है वो स्टॉप होने लगती है, रुकने लगती है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्लेटलेट्स में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच माई ऑल फ्रेंड्स।